में देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार क्या आई, हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल गई। ये बात हर एक भारतीय न सिर्फ कहता है बल्कि बखूबी समझता भी है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत मजबूती से अपना पक्ष रखता है, उसे देख हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। विरोधी चाहे लाख विरोध कर लें, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि पिछले 9 साल में भारत ने जितनी तेजी से तरक्की की है उतनी पिछली सरकारों में नहीं की। मोदी के कट्टर विरोधी भले ही अर्थव्यवस्था और महंगाई का रोना रोते रहते हों, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें नंबर पर आ गया है, उसने विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। पीएम मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई तगड़े फैसले लिए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये वो फैसले हैं जो पिछली सरकारों ने लेना तो दूर सोचने तक की जहमत नहीं उठाई। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी के राज में भारत इतना सक्षम हो चुका है कि वो बुरे वक्त में दूसरे देशों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहता है। साल 2015 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने ऐसे कई ऑपरेशंस चलाए हैं जिसके तहत उन्होंने उन देशों की भी मदद की है जो कभी भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया करते थे। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि कैसे मोदी राज में भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है। ऑपरेशन मैत्री नेपाल 2015। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भूकंप आया था। उस वक्त नेपाल में हालात काफी खराब हो गए थे। नेपाल की मदद के लिए भारत ने बिना देर किए हाथ आगे बढ़ाए थे। लगभग 40 दिनों तक नेपाल में राहत कार्यों को अंजाम दिया था। नेपाल में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत एक देश था। भारत ने 24 घंटों के अंदर बड़ी मदद भेजी थी। पीएम मोदी खुद इस ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन राहत यमन 2015। ये बात है साल 2015 की, जब यमन गृह युद्ध की आग में जल रहा था। वहां पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया था। 10 दिन चले इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के जाबाजों ने 5,600 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 41 देशों के 960 नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने 2,900 लोगों को एयरलिफ्ट किया था और 18 स्पेशल विमानों से स्वदेश लाया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन सूडान 2016। सूडान में फंसे अपने 600 नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने 2 C-17 विमान भेजे थे। भारत सरकार ने इसे ऑपरेशन संकट मोचन का नाम दिया था और इस अभियान का नेतृत्व तत्कालीन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया था। साउथ सूडान के जुबा शहर के कई हिस्सों में पूर्व विद्रोही और सैनिकों के बीच भारी संघर्ष हो रहा था, जहां से भारतीयों को सकुशल निकाला गया था। वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस महामारी 2020। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के तहत कई भारतीय विदेशों में फंस गए थे। भारतीयों को सकुशल स्वदेश लाने के लिए मोदी सरकार ने वंदे भारत मिशन चलाया था। सिर्फ वंदे भारत मिशन ही नहीं बल्कि समुद्र सेतु ऑपरेशन भी चलाया गया था। यह अभियान 2 चरणों में हुआ था। इस अभियान के तहत लगभग 30,000 भारतीयों को वापस घर लाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान 2021। भारत सरकार ने ऑपरेशन साल 2021 में चलाया था। इसके तहत अफगानिस्तान से 104 लोगों को भारत लाया गया था, जिनमें 10 भारतीय भी शामिल थे। ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। वापसी में इस विमान में भारत ने जरूरी दवाएं और सामान अफगानिस्तान के लिए भेजा था। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहां से इन लोगों को सकुशल निकालने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन 2022। पिछले साल की ही बात है जब भारत ने यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। दरअसल भारत के कई युवा छात्र छात्राएं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध की वजह से वहीं फंस गए। ऐसे लगभग 20,000 छात्र छात्राओं को भारत लाया गया था। इसी मिशन के तहत 4 मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की 2023। तुर्की में आए भूकंप से हर तरफ त्राहिमाम मच गया, हजारों लोगों की मौत हो गई। तुर्की के ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने उसकी मदद की। भारत से एनडीआरएफ की टीमें भी तुर्की भेजी गयी। इसके अलावा राहत सामग्री भी भिजवाई गई ताकि तुर्की के बुरे हालात में कुछ मदद हो सके। भिजवाई गयी ताकि तुर्की की बुरे हालात में कुछ मदद हो सके।
मोदी सरकार की इस पहल पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।